मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों, वर्ष 2022 में चेटी चंड कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब है और पूजा करने की विधि क्या है और द्वितीया तिथि कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मित्रों, चेटी चंड सिंधी समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व सिंधी समाज के आराध्य देवता भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे झूलेलाल जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस त्यौहार के साथ ही सिंधी नववर्ष की शुरुआत होती है। इस मौके पर सिंधी समाज के लोग जीवन में सुख समृद्धि की कामना के लिए वरुण देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान झूलेलाल को जल देवता का अवतार माना जाता है। क्योंकि चेटी चंड पर्व अब धार्मिक महत्व तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सिंधु समुदाय के लोगों के लिए खास पर्व के रूप में भी जाना जाने लगा है। मित्रों, अब चेटी चंड पूजा करने की विधि को भी जान लेते हैं। चेटी चंड के अवसर पर सिंधी समुदाय द्वारा भगवान झूलेलाल की शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसके अलावा इस दिन कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। चेटी चंड की शुरुआत सुबह मंदिरों के दर्शन और बुजुर्गों के आशीर्वाद से होती है। चेटी चंड के दिन सिंधी समाज के लोग नदी और झील के किनारे पर बहिराणा साहिब की परंपरा को पूरा करते हैं। बहिराणा साहिब इसमें आटे की लोई पर दीपक, मिट्टी, सिंदूर, लौंग, इलायची, फल रख कर पूजा करते हैं और उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है। इस परंपरा का उद्देश्य है मन की इच्छा पूरी होने पर ईश्वर के प्रति आभार प्रकट करना और जलीय जीवों के भोजन की व्यवस्था करना। इस मौके पर भगवान झूलेलाल की मूर्ति की पूजा की जाती है। मित्रों, अब आपको बता दें कि वर्ष 2022 में चेटी चंड 3 अप्रैल दिन रविवार को मनाया जाएगा। द्वितीया तिथि आरंभ होगी 2 अप्रैल 2022 को दोपहर 12 बजे और द्वितीया तिथि समाप्त होगी 3 अप्रैल 2022 को दोपहर 12:40 पर।